2015 के अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि आइंस्टाइन की 100 साल पुरानी प्रेडिक्शन सही साबित हुई और साइंसदानों ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर लिया। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं और आइंस्टाइन ने क्या प्रेडिक्शन की थी, आज हम इस प्रेजेंटेशन में ये जानेंगे। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया था, उसके मैथमेटिक्स में एक चीज़ बताई गई थी जिसे साइंसदानों ने 100 साल के बाद सही जाना। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि ग्रेविटी को हम स्पेस टाइम फैब्रिक के तौर पर अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास सारी की सारी खला, सारी की सारी स्पेस जो है उसके ऊपर एक जाल बिछा हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और इसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसकी डायमेंशंस 4 हैं, 3 स्पेस की एक्स वाई जी और चौथी डायमेंशन टाइम की, पर हमने इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 डायमेंशंस में ड्रॉ किया है, स्पेस की एक डायमेंशन और टाइम की एक डायमेंशन। तो ये एक जाल बन गया, एक नेट बन गया। अब इस नेट में जहाँ पर मैं ऐसे हैवी बॉडीज प्लेस करूँगा जिनका बहुत ज़्यादा जिनकी ग्रेविटी होगी, तो ये जाल जो है वो नीचे को हो जाएगा, इसमें एक कर्व आ जाएगा, इसमें एक बैंड आ जाएगा उनकी ग्रेविटी की वजह से। मसलन इसमें मैं ज़मीन रखता हूँ, तो जैसे ही मैंने ज़मीन रखी, ज़मीन की क्योंकि ग्रेविटी थी तो ग्रेविटी ने स्पेस टाइम के इस जाल को, इस फैब्रिक को बेंड कर दिया। यहाँ से आप देखें ये बेंड हो चुका है, कर्व हो चुका है। इसी तरीके से चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है और न्यूटन ये कहता है कि वो ग्रेविटी की वजह से घूमता है, जबकि आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर हम ज़मीन को देखें तो ज़मीन ने स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा बेंड डाला है, एक बहुत बड़ा गढ़ा डाला है, और चांद ने छोटा बेंड डाला है। अब इस बड़े बेंड की स्लोप की वजह से चांद ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा एक वेलोसिटी के साथ। इस थ्योरी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। अब हम बड़ी बॉडीज़ की तरफ आते हैं, मसलन स्टार्स हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि देखें यहाँ पर ये हमारे पास स्पेस टाइम का एक फैब्रिक है और इसमें हमने एक स्टार प्लेस किया, तो देखें नीचे छोटा सा बैंड आया क्योंकि इस स्टार की ग्रेविटी जो है वो कम है। वाइट ड्वार्फ जो कि जब स्टार्स बूढ़े हो जाते हैं तो वाइट ड्वार्फ बनते हैं, उनकी ग्रेविटी आम स्टार से ज़्यादा होता है, तो आप देखें यहाँ पर बैंड जो है वो ज़्यादा है स्पेस टाइम में। इसी तरीके से न्यूट्रॉन स्टार जो है उनका बैंड इनसे भी ज़्यादा है, ये भी स्टार के साइकिल में जाते जाते बनते हैं, और जब स्टार ब्लैक होल में बदलता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से स्पेस टाइम में उनका जो बैंड है, जो कर्वेचर है, वो भी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी जितनी ग्रेविटी होगी उतना बड़ा बैंड होगा, उतना बड़ा स्पेस टाइम में कर्वेचर होगा उनका, ये हमें आइंस्टाइन ने बताया, और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी। आइंस्टाइन ने हमें एक और चीज़ भी बताई, ये उनके मैथमेटिक्स से साबित होता है कि ऐसी बॉडीज भी हैं सेलेस्टियल जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती हैं, और उनमें से लाइट जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, हम इसको आज ब्लैक होल कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अलग एक वीडियो बनाई है। आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स ये कहता था कि जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के पास आते हैं तो वो बहुत तेज़ स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के गिर्द, इसको हम डांस ऑफ ब्लैक होल्स भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो ब्लैक होल्स दिखाए हैं, एक का मास जो है वो है 30 सोलर मैसेस के इक्वल, इसका मतलब यह है कि 30 सूरज, 30 सन जो हमारे हैं उनके बराबर इस बड़े ब्लैक होल का मास है, और ये जो छोटा ब्लैक होल है इसका मास जो है वो 20 सोलर मैसेस के इक्वल है, यानी अगर हम अपने 20 सूरज जोड़ें तो उन 20 सूरज जो है उनका जो मास होगा वो इस ब्लैक होल के मास के बराबर है। ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और अब बड़ा ब्लैक होल इस छोटे ब्लैक होल को अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट से कुछ कम तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से बहुत बड़ी बड़ी स्पेस टाइम जो फैब्रिक है उसमें लहरें पैदा हो रही हैं, उसमें रिपल्स पैदा हो रहे हैं। कैसे रिपल्स? मसलन अगर आप एक एग्जांपल लें, कश्ती है जो पानी में गोल गोल घूम रही है बड़ी तेज़ी से,
तो आप देख रहे हैं ना कि पानी में आपको लहरें नजर आ रही हैं, रिपल्स नजर आ रहे हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से स्पेस टाइम में जब ब्लैक होल्स एक दूसरे के गिर्द करीब आ जाते हैं और वो एक दूसरे के गिर्द बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं, और ये ब्लैक होल जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी खास मैं बात करूँ, ये 1.3 बिलियन ईयर्स अवे हैं, यानी हम पास्ट में देख रहे हैं। तकरीबन 1.3 अरब साल पुराने ब्लैक होल्स हम देख रहे हैं और जो कि एक दूसरे के गिर्द बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, तो उनसे वेव्स जनरेट हो रही हैं क्योंकि स्पेस टाइम में रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इन वेव्स को हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, और ये बाहर की तरफ जा रही हैं, यानी ये खला में फैल रही हैं, स्पेस में फैल रही हैं, और ये पानी की तरह बाहर की तरफ जा रही हैं। इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम ये होगा कि एक वक्त में बहुत साल बाद ये दोनों ब्लैक होल्स मर्ज हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और एक ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, और उस वक्त भी एक बहुत बड़ी शॉक वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि ये वेव्स जब जनरेट होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, तो ये स्पेस टाइम, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नेट है और इसमें एक वेव ट्रैवल कर रही है, तो ये स्पेस टाइम वेव है। इसकी अपनी खसूसियात हैं जो मैं आगे बताऊँगा, और बड़ी ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं इस वेव की। इन वेव्स को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, हम कैसे बता सकते हैं कि आइंस्टाइन ने अगर ऐसी बात की थी तो वाकई जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब घूम रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो जनरेट होती भी हैं कि नहीं। इस चीज़ को साबित करने के लिए साइंसदानों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि वो कुछ ऐसे डिटेक्टर्स लगाएं जो कि स्पेस में हों और वो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को रीड करें, मेजर करें, और फिर कोशिश करें उससे अंदाज़ा लगाने की कि वो ब्लैक होल्स जो हैं वो इनको जनरेट कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने पहले सोचा कि वो खला में डिटेक्टर्स लगाएं और उन डिटेक्टर से इन वेव्स को डिटेक्ट करें। अब इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि ये वेव्स हमसे बहुत दूर हैं। मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन अरबों साल पुरानी वेव्स हैं जो जनरेट हो रही हैं, और हम तक आते आते ये बहुत ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? ये जो वेव्स हैं इनकी जो डायमेंशंस हैं वो प्रोटॉन से भी 1000 या 10000 गुना छोटी हैं। तो अगर इतनी छोटी वेव को हम स्पेस टाइम की वेव को मेजर करना चाहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। साइंसदानों के पास इनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे और उन्होंने कोई नई चीज़ दरियाफ्त करनी थी, कोई नई चीज़ बनानी थी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना था जो कि इनको डिटेक्ट कर सके। और जब ये वेव्स ज़मीन से टकराती हैं तो ज़मीन का हाल इस जेली जैसा होता है, क्योंकि इन वेव्स का जो असर है वो बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर वेव्स हैं इतनी दूर आते हुए, इसलिए हमें ये ज़मीन ऐसे मालूम नहीं होती कि ज़मीन ऐसे थरथरा रही है या वो ऐसे हिल रही है। अगर इन वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो वो ज़मीन को इस तरीके से शॉक जो है वो एक दे सकती हैं। हमने ये वेव्स पहली मरतबा सितंबर 2015 में डिटेक्ट की, और उसके बाद 2015 ही में अक्टूबर में ये वेव्स डिटेक्ट की गई, ग्रेविटेशनल वेव्स, जिनकी मैंने आपको बात बता दिया कि उसकी फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई, और उसके बाद हम कई मरतबा इन वेव्स को डिटेक्ट कर चुके हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि इन वेव्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लीगो का वर्ड यूज़ हो रहा है। लीगो वो जगह थी जहाँ पर सबसे पहले इन वेव्स को डिटेक्ट किया गया। ये एक ऑब्जर्वेटोरी है जिसको हम ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं। लीगो जो है वो कई मुल्कों में काम कर रही है, यानी ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि लैब है, और अमेरिका में ये दो हैं, एक हैंडफर्ड में है और एक लिविंगस्टन में है। इसी तरीके से यूरोप में भी एक है जो कि ऑपरेशनल हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हैं, यूरोप में भी हैं और मुल्कों में भी हैं, और एक प्लांट भी है जो कि इंडिया में है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी लीगो ऑब्जर्वेटरीज हमारे पास हैं जो कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करती हैं और इनके बारे में हमें बताती हैं। हम अमेरिका की जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है उसकी तरफ चलते हैं। ये अमेरिका के एक हिस्से में हमें हैंडफर्ड पर नज़र आ रही है, और हैंडफर्ड के बाद हमें ये बहुत दूर अमेरिका के दूसरे हिस्से में लिविंगस्टन में नज़र आ रही है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर का, 3000 किलोमीटर जो हैं ये एक दूसरे से, ये ऑब्जर्वेटरीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। और इसकी वजह ये है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो बहुत वीक सिग्नल होता है, और हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी चीज़ मेजर कर लें जो कि नॉइज़ हो और बाद में हम उसको ग्रेविटेशनल वेव्स को के तौर पर उनको लेते रहें।
तो इसलिए हमने इनको दूर रखा है ताकि इनमें कॉमन नॉइज ना आ सके, कोई ऐसी नॉइज ना आ सके जो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो खराब करें और हम उनको अपना सिग्नल समझ सके। तो इनको इंडिपेंडेंट किया गया है। यहां पर मैंने आपको एक लीगो ऑब्जर्वेटरी जो है वो दिखाई है, इसे हम कहते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर जो है वो लेज़र जो है वो इंजेक्ट की जाती है और यहाँ पर आपके पास एक टनल है, ये बहुत बड़ी टनल है जो 4 किलोमीटर लंबा आर्म है इसका। ये जो एक आर्म है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 4 किलोमीटर लंबा है और एंड पे यहाँ पर मिरर्स लगे हैं जो उस लेज़र को रिफ्लेक्ट वापस करते हैं। तो यहाँ से हमने लेज़र जनरेट की, यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद ये रिफ्लेक्शन जो है हमें वापस आई। इसी तरीके से दूसरा मिरर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और वो रिफ्लेक्शन जो है वो वापस हमें भेजता है लेज़र की, ये भी 4 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद बाकी जो प्रोसेसिंग होती है वो दोबारा यहाँ पर होती है। तो ये एक टिपिकल लीगो ऑब्जर्वेटरी है जो मैंने आपको दिखाई है। ग्रेविटेशनल वेव्स की एक ख़ास करेक्टरिस्टिक है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, और वो करेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक डायमेंशन में अगर स्ट्रेच हो रही है तो दूसरी डायमेंशन में कंप्रेस हो रही होती है या स्क्वीज हो रही होती है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये ग्रेविटेशनल वेव है जो इस तरफ इसकी प्रोपोगेशन है, इस तरफ को ट्रेवल कर रही है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ऊपर और नीचे स्ट्रेच हो रही है। क्या मतलब इसका? यहाँ पर स्पेस स्ट्रेच हो रही है, स्पेस एंड टाइम स्ट्रेच हो रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये स्क्वीज हो रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी डायमेंशन में स्ट्रेच हो रहे हैं। यानी एक डायमेंशन में स्ट्रेच होंगे तो दूसरी डायमेंशन में स्क्वीज होंगे, और अगर दूसरी डायमेंशन में स्ट्रेच होंगे तो एक डायमेंशन में पहली डायमेंशन में स्क्वीज होंगे। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास मिरर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आपके पास 4 किलोमीटर के फासले पे 2 मिरर्स लगे हैं, एक मिरर ये लगा हुआ है और एक मिरर ये लगा हुआ है। यहाँ पर आपके पास लेज़र सोर्स है और इस लेज़र सोर्स से हम सिग्नल जनरेट करेंगे। पर सवाल यह है कि लेज़र सोर्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं उसका मतलब यह है कि स्पेस टाइम में रिपल्स बन रहे हैं, शॉक वेव्स आ रही हैं स्पेस टाइम की, और जब स्पेस टाइम की शॉक वेव यहाँ पर आकर टकराएंगी तो वो क्या करेंगी? जब साउंड की वेव आती है तो वो हमें साउंड देती है, कभी वो ज़्यादा होता है और कभी कम होता है। इसी तरीके से अगर सिर्फ स्पेस की हम वेव देखें तो वो क्या करेगी? वो स्पेस को अल्टर करेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो जब स्पेस की वेव आके यहाँ पर टकराएगी तो वो इस तरफ स्पेस को स्क्वीज़ करने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो ये डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर रह जाए, यहाँ पे स्पेस छोटी हो जाए, और इस तरफ को स्पेस जो बड़ी हो जाएगी क्योंकि दूसरी डायमेंशन में एक्सपेंड करती है। तो ये 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो सकता है, तो इनमें जो डिस्टेंस होता है वो 6 किलोमीटर हो सकता है और यहाँ पर 2 किलोमीटर हो सकता है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो जाए स्पेस, और यहाँ पर स्पेस जो है वो 4 से 2 किलोमीटर हो जाए। तो स्पेस टाइम में जब हमारे पास वेरिएशन आएगी तो स्पेस जो है वो चेंज होगी और टाइम में भी चेंज आएगा, पर ये वेरिएशन इतनी थोड़ी है कि हम टाइम को इग्नोर कर देते हैं और हम स्पेस की वेरिएशन पर ये इंटरफेरोमीटर डिज़ाइन करते हैं। अब अगर आप एक बंदा यहाँ पर खड़ा कर दें, यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों मिरर्स दिखाए और इनका डिस्टेंस बता दिया 4-4 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर मैं एक आदमी खड़ा कर दूँ और एक आदमी यहाँ पर खड़ा कर दूँ और उनके बीच में डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, तो जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव आके टकराएगी तो हो सकता है उनका डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर रह जाए। अब जब उनका डिस्टेंस 3 किलोमीटर रह जाएगा तो वो कैसे मेजर करेंगे कि डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है? क्योंकि तभी हमें पता चलेगा ना स्पेस में कोई वेरिएशन आई है। उसके लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है हर जगह उसको लिया है, हमने लेज़र एक जनरेट की है। लेज़र जब यहाँ से जाएगी और इस मिरर से टकरा के वापस आएगी तो मैं अज्यूम करता हूँ आपको बताने के लिए कि सपोज़ वो 10 सेकेंड ले रही है, तो जब इनके बीच में डिस्कम होकर 2 किलोमीटर रह जाएगा तो लेज़र कब वापस आएगी? 5 सेकेंड में। तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर स्पेस में वेरिएशन आ रही है, डिस्टेंस में वेरिएशन आ रही है इन 2 पॉइंट्स के बीच में। और अगर ये 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो जाते तो लेज़र 15 सेकेंड में वापस आएगी, तो आपको फिर भी पता चल जाएगा कि स्पेस में वेरिएशन आ रही है। यही असूल हमने रखना है। और हम कौन सी वेरिएशन मेजर कर रहे हैं? ये वेरिएशन डिस्टेंस में जो है प्रोटॉन के साइज का 1000वां हिस्सा या 10000वां हिस्सा, इतनी छोटी वेरिएशन हमने मेजर करनी है, इसलिए ये बहुत ही प्रिसाइज किस्म की कैलकुलेशंस होंगी।
अब हम करेंगे क्या, हम सोर्स से लेज़र जनरेट करेंगे, लेज़र जो है वो जाएगी, अभी हम ये ज्यूम करें कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल वेव जो है वो एक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है और ये भी 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से आपकी वेव जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और इसी तरीके से यहाँ भी वेव जाएगी और वापस आएगी। ये वेव्स इन फेज भी हो सकती हैं और आउट ऑफ फेज भी हम इनको कर सकते हैं, ये हमारी कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो वेव्स हैं ये आउट ऑफ फेज हैं, तो आप यहाँ पर देखें ये आउट ऑफ फेज हैं और ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, जो रिजल्टेंट स्क्रीन है ये रिजल्टेंट स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा, पर जैसे ही इनका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा या कम होगा तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। अब आप देखें यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हो रही है, दूर किसी ब्लैक होल से ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, एक साइड पर कंप्रेस करेंगी, इस डिस्टेंस को हो सकता है वो छोटा कर दें, तो ये 4 किलोमीटर से कम थोड़ा होगा, एटम के प्रोटॉन के साइज का कम होगा, पर ये वेव्स जो हैं उनके वापसी का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर वेव जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा वापस आने तक, तो अब इनके बीच में जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव 100% नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगी। आप देखें ना, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है इस वेव की वजह से जो आ रही है, और ये डिस्टेंस भी चेंज हुआ, तो यहाँ पर आपको प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिल सकती है, आपको बीच में भी मिल सकता है। तो अब क्या हुआ, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी तो बहुत हल्का सा स्पॉट बन रहा था, ये इंटेंसिटी है, इसको आपने याद रखना है, और जब डिस्ट्रक्टिव की बजाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पर आपको एक लेज़र स्पॉट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको बताएगी कि ग्रेविटेशनल जो वेव है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, और जब इनसे हमने मेजर की अमेरिका के दो अलग अलग हिस्सों में, एक मैंने आपको बताया था कि हैनफर्ड पे है और दूसरा लिविंगस्टन में है, तो आप यहाँ पर देखें कि जो येलो कलर की है ये वो प्रिडिक्शन है जो साइंसदानों ने की थी अपने डेटा से कि ऐसी वेव होनी चाहिए, ये जो येलो कलर की है छोटी सी लाइन जो है, और जब एक्चुअल डेटा आया तो वो इस तरीके का आया, आप देखें ये बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है, ये जो स्ट्रेन है वेव का ये उसको प्लॉट किया गया है, और आप देखें कि यहाँ पर आपके इसका एम्पलीट्यूड जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और फिर जनरेट हुई, तो साइंसदानों ने फौरन देखा, उन्होंने कहा हमें सिग्नल तो रिसीव हुआ है एनफर्ड में, तो क्या लिविंगस्टन में यानी अमेरिका के दूसरे हिस्से में भी ऐसा ही सिग्नल मिला है? तो इन्होंने फौरन उस लैब को कनेक्ट किया और वहाँ पर उनको भी ऐसा ही एक सिग्नल मिला। आप देखें ये सिग्नल बिल्कुल मैच कर रहा है ऊपर वाले सिग्नल से, उन्होंने ये दोनों सिग्नल जो प्लॉट किए तो उनको नज़र आया कि दोनों सिग्नल जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ उनमें थोड़ा सा डिले है। नीला सिग्नल अगर आप देखें तो आपको राइट साइड पर जाता हुआ नज़र आएगा, और ये डिले क्यों है, क्योंकि इनके बीच में 3000 किलोमीटर का फ़र्क था, तो ग्रेविटेशनल वेव को थोड़ा सा टाइम लगा दूसरी ऑब्जर्वेटरी के पास पहुंचने में, और वो जो टाइम है वो डिले बनकर सामने आया। तो ये दोनों जो वेव्स थी ये बिल्कुल एक जैसी थी, इसका मतलब ये कि ये नॉइज़ की वजह से नहीं, ये एक्चुअल जो सिग्नल है वो हमें मिला है, और 2015 में साइंसदानों ने ये वेव जो है वो डिटेक्ट की थी, और उसके बाद उन्होंने फिर कई मरतबा ये वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट की। जब पहली वेव डिटेक्ट की थी पहली मरतबा तो इसकी आवाज़ जो है वो इस तरह की थी हु, और जब उसके बाद इन्होंने ज़्यादा स्ट्रांग ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की तो उनकी आवाज़ कुछ ऐसी थी हु, और यहाँ पर आप उनका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ एक तरफ आपको बहुत स्ट्रांग वेव मिल रही है जबकि दूसरी तरफ थोड़ी सी वीक वेव जो है वो मिल रही है, पर वो हैं बिल्कुल एक ही शक्ल की। तो इससे साइंसदानों ने ये ख्याल जाहिर किया और उनको यकीन हो गया कि जो आइंस्टाइन ने हमें बताया था 100 साल पहले कि जब भी ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब जाते हैं और वो करीब करीब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो वो स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, रिपल्स जनरेट करते हैं, स्पेस टाइम वेरिएशंस जनरेट करते हैं, और उनको हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं जो कि हम तक पहुँचती हैं, और इनसे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं, हम न्यूट्रॉन जो स्टार्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं कि वो कैसे बनते हैं और वो कैसे ख़त्म होते हैं। इसी तरीके से जब सितारा फटता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, बड़ा सितारा जो है एक्सप्लोड करता है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, हम बिग बैंग के बारे में जान सकते हैं बहुत ज़्यादा, जब
ये हमारी पूरी कायनात बनी थी, जब हमारी यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आई थी, तो इसने एक नई चीज़ खोल दी, एक नए रास्ते खोल दिए, और इसने एक नई डायमेंशन भी दी, और वो ये कि स्पेस एंड टाइम में भी वेरिएशंस आ सकती हैं, स्पेस एंड टाइम चेंज हो सकते हैं, और सबसे अहम बात कि अब हम उनको मेजर कर सकते हैं। हमारे पास इतने अच्छे और इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं।